हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथी फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं कि विटामिन B12 के बारे में। तो विटामिन B12 यानी ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होती है और ये विटामिन बॉडी में स्टोर नहीं हो पाती है, क्योंकि वाटर सॉल्युबल होने की वजह से जो भी एक्सेस में होती है विटामिन, वो बॉडी से यूरिन के जरिए बाहर निकल जाती है। विटामिन B12 को कोबालमिन भी कहते हैं। और विटामिन B12 का देखते हैं कि क्या बॉडी में फंक्शन होता है। तो ये RBC फॉर्मेशन करती है, यानी RBC फॉर्मेशन करती है, और जब विटामिन B12 की कमी हो जाएगी तो इसके मतलब कि वहाँ पे एनीमिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है। विटामिन B12 जो है ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, और जो बॉडी में नर्व्स फैली रहती हैं, नर्व्स के ग्रोथ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। नर्व के ऊपर जो माइलिन शीथ होती है उसको, उसके ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है विटामिन B12। यानी विटामिन B12 की कमी से पार्किंसन डिजीज़, एल्जाइमर्स डिजीज़, ये नर्वस डिजीज़ हो जाती हैं। और जनरल हेल्थ के लिए भी विटामिन B12 बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, जनरल हेल्थ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और बॉडी इनर्जेटिक रहती है, यानी जो अच्छा फील होता है, बॉडी चुस्त दुरुस्त रहती है, वो विटामिन B12 की वजह से फिट रहती है। विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो इसके मतलब फिर जो है बहुत कमज़ोरी और थकावट बनी रहती है, और थकावट क्योंकि RBC भी कम बनती है तो एनीमिक कंडीशन डेवलप हो जाती है, इसलिए भी जो है फटीगनेस यानी थकावट हो जाती है। और फोलिक एसिड का एब्जॉर्बेशन भी, विटामिन B12 से फोलिक एसिड का एब्जॉर्बेशन भी बहुत अच्छी तरीके से होता है। तो विटामिन B12 की डायग्नोसिस के लिए देखते हैं क्या क्या टेस्ट करा जाता है। तो CBC टेस्ट करा लेते हैं, और विटामिन B12 और फोलेट लेवल टेस्ट कराते हैं। तो CBC से हम एनीमिया की इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, और विटामिन B12 लेवल से जो है विटामिन B12 की कमी डिटेक्ट हो जाती है। हम देखते हैं कि अब इसमें सिम्टम कौन कौन से होते हैं, विटामिन B12 की कमी से कौन कौन से सिम्टम होते हैं। तो नंबर एक तो फटीग हो जाती है, यानी बहुत थकावट रहती है, बॉडी में बहुत थकावट रहती है, बॉडी बिल्कुल से फ्रेश नहीं महसूस होती है, और क्योंकि RBC भी कम होने बनने लगती है विटामिन B12 की कमी से, इसलिए स्किन जो है पेल होने लगती है, यानी एलोइस स्किन हो जाती है। और इसके सिम्टम में हेडेक भी होते हैं, यानी हेडेक की परेशानी भी होने लगती है, और विटामिन B12 की कमी से डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, और पेट की दिक्कत, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंप्लेंट डेवलप हो जाती है, पेट नहीं सही रहता है अक्सर, और इसमें माउथ और टंग में पेन हो जाते हैं और इन्फ्लामेशन हो जाते हैं, यानी माउथ की प्रॉब्लम अक्सर जो होती रहती है, यानी माउथ में छाले निकल आते हैं या दाने निकल आते हैं, खाने में प्रॉब्लम होती है, पेन होता है, तो ये विटामिन B12 के कमी से हो जाती है। हाथ और पैर की उंगलियों में जैसे सुई चुभने जैसी अनुभूति होती है, यानी विटामिन B12 की कमी से हाथ और पैर की उंगलियों में जैसे सुई चुभने वाली जैसी अनुभूति होती है, जैसे सुई चुभ रहा हो इस तरीके से सेंसेशन होता है। और इसमें और सिम्टम भी होते हैं, जैसे मसल में क्रैम्पनेस होने लगती है, ऐंठन हो जाती है मांसपेशियों में, और वीकनेस बनी रहती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम भी हो जाती है, और इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन, यानी पेशेंट को बिल्कुल से चलने फिरने में बहुत संभालना पड़ता है, बहुत अपने को बैलेंस करना पड़ता है, ये विटामिन B12 की कमी से भी हो जाती है, और विजन भी कभी कभी डिफेक्टेड हो जाता है। तो हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी डाइट है लिया जाए जो कि विटामिन B12 को आराम से पूरा कर ले जाए। तो मोस्टली विटामिन B12 एनिमल फूड में ज़्यादा पाए जाते हैं, और एनिमल फूड में जैसे फिश है, मीट है, एग है, चिकन है, इन सब से विटामिन B12 बहुत मात्रा। वेजिटेरियन फूड में जैसे मिल्क है और मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क में बहुतायत मात्रा में जो है विटामिन B12 होती है, और इसके प्रोडक्ट में जैसे दही है, चीज़ है,
इसमें सब में जो है बहुत ही विटामिन बी ट्वेल्व भरपूर मात्रा में पाई जाती है। फोर्टिफाइड सीरियल है जैसे कॉर्न फ्लेक्स है, दूध के साथ बड़े लोग भी ले सकते हैं, बच्चे भी ले सकते हैं, इसमें भी विटामिन बी ट्वेल्व होती है। मशरूम यूज करने से उसमें भी विटामिन बी ट्वेल्व मिल जाती है। तो इस तरीके से ये वेज फूड और नॉन वेज फूड लेते रहने से विटामिन बी ट्वेल्व भरपूर मात्रा में मिलती है। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाएं लिया जाए। तो वैसे तो मेन इसका स्रोत तो जो है फूड ही होता है। फूड लेते रहने से विटामिन बी ट्वेल्व की भरपूर मात्रा मिलती रहती है। और लेकिन इसमें कुछ होम्योपैथिक दवाएं हैं जिससे कि सप्लीमेंट के तरीके से ले लेने से विटामिन बी ट्वेल्व की भरपाई होती रहती है। जैसे इसमें फेरम फास है, कैल्केरिया फास है और कॉलीफास है। ये तीनों बायोकेमिक दवाएं 6x में जो है थोड़ा दिन ले लेने से विटामिन बी ट्वेल्व की मात्रा जो कमी रहती है वो बैलेंस हो जाती है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। ओके।